हेलो बच्चों, वी फाइनली स्टार्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस सम। बच्चों आई होप कि थ्योरी इज नॉट थरली कंप्लीटेड ओके बाय ऑल। ओके रेसिडेंशियल स्टेटस सम बच्चों 8 मार्क्स सम, वेरी इजी, जस्ट लिटिल बिट ऑफ फोकस यू हैव टू गिव दैट। ओके पहले अपने को थोड़ा कुछ एकेडमिक ईयर के लिए नॉलेज, बट इज अ प्रीवियस ईयर बच्चों, टू वी नो द ईयर इन विच यू हैव अर्न द इनकम। जिस साल में हम लोग आमदनी कमाते हैं बच्चों, जिस साल में अपना इनकम होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रीवियस ईयर। अपने सिलेबस के लिए बच्चों प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20 बच्चों, 2019-20 इज ए सिलेबस ईयर। 98 क्यों बच्चों, क्योंकि आप 98 क्या आते हैं एस वाई बीकॉम में थे ना, एस वाई बीकॉम में आपने जो भी सर को या स्कूल कॉलेज को फीस दिया रहेगा बच्चों, उस पर टैक्स गवर्नमेंट को इस साल देना है। तो आपने फीस पे किया था, तो स्कूल कॉलेज सर के लिए क्या बच्चों इनकम है, उसके ऊपर टैक्स दिस ईयर। तो दैट इज 19 अप्रैल 19 to 31 मार्च 20 बच्चे अपने लिए क्या है प्रीवियस ईयर है। ओके बच्चों एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल 2020 to 31 मार्च 2021, इट इज 20 and 21, इट इज असेसमेंट ईयर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये पूरे फिफ्थ सेमेस्टर में अपना सिलेबस के लिए रहेगा बच्चों, इवन नॉट ओनली फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में टैक्स के लिए ये रूल है। 19-20 अपना प्रीवियस ईयर है और 20 and 21 क्या अपना असेसमेंट है। ओके ओके बच्चों, अगेन दिस इज फर्स्ट सम है, तो बराबर देखना बच्चों हाउ टू डू दैट। मिस्टर पॉन्टिंग एंड अमेरिकन सिटीजन, व्हाट आई से द आईसी एंड आईओ, व्हाट इज आईसी, इंडियन सिटीजन, और आईओ इंडियन ओरिजिन, ये दो वर्ड आया बच्चों, तो उसको बोलते हैं लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, देन वी कॉल अ वर्ड एक्सेप्शन केस। ओके बच्चों, अदरवाइज वी विल ट्रीट एज अ नॉर्मल पर्सन। अब यहाँ पूछा दिया अमेरिकन सिटीजन, क्या इंडियन सिटीजन दिया है, नहीं, तो मतलब नॉर्मल है। बट आगे चलो, बट ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका मतलब पॉन्टिंग जो है वो अमेरिका का सिटीजन तो है, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ का बच्चों, इंडियन का, मतलब उसके दादा पर दादा सारे इंडिया में रहा करते थे, तो बट आगे बच्चों इंडियन ओरिजिन, तो क्या एक्सेप्शन है नॉर्मल बच्चों, सर नॉर्मल है, नहीं, क्यों नॉर्मल नहीं है, एक्सेप्शन है भाई, यदि इंडियन ओरिजिन है ना बच्चों, ऑल दो अगर ये ओरिजिन नहीं होता ओनली अमेरिकन सिटीजन तो वी कॉल नॉर्मल, ऑल दो ही टेक द अमेरिकन सिटीजनशिप, बट ओरिजिन कहाँ का है वो, तो इंडियन ओरिजिन का है, इसका हिस्ट्री इंडिया में था, हिस्ट्री उसका मतलब उसके दादा परदादा पेरेंट्स और ग्रेट पेरेंट्स का था बच्चों, रिमेम्बर, तो ये एक्सेप्शन केस है बच्चों। जिससे सब जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, सबसे पहले चेक करो वेदर ही इज अ कैटेगरी ऑफ इन द नॉर्मल पर्सन और इज अ एक्सेप्शन केस। व्हाई, बिकॉज़ फॉर नॉर्मल देयर इज अ टू रूल, व्हाट इज दैट, व्हिच आर द टू रूल, 182 डेज एंड देन 60 प्लस 365 का रूल, तो याद आ रहा कुछ, यस, एंड द एक्सेप्शन केस में व्हाट इज दैट, व्हाट इज द रूल, ओनली 182, ओनली वन रूल, राइट बच्चों। चलो सो ये तो समझ में आ गया बच्चों, रिकी पॉन्टिंग अमेरिकन सिटीजन, दो अमेरिकन सिटीजन, आगे पढ़ो क्वेश्चन बच्चों, इंडियन ओरिजिन भी दिया हुआ है, मतलब ये एक्सेप्शन केस है बच्चों। ओके दो ही वर्ड ढूंढना आपने, आईसी एंड आईओ, आईसी इंडियन सिटीजन, आईओ इंडियन ओरिजिन, एनी ऑफ द वर्ड इज बिलोंग टू दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन केस। केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चों, फर्स्ट टाइम पहली बार इंडिया में आया बच्चों, ऑन 16 जुलाई को इंडिया में आया बच्चों। ओके एंड अगेन वेंट टू अमेरिका ऑन 8 नवंबर 2019, और फिर वापस कभी चला गया बच्चों, 8 नवंबर को इंडिया से बाहर चला गया, इंडिया में कभी आया बच्चों, 16 जुलाई को आया और नवंबर में गया, इसका मतलब जुलाई से नवंबर में इंडिया में था ना बच्चों, बस ठीक है। देर इज नो हिस्ट्री ऑफ हिज इन इंडिया बिफोर दैट, इसका मतलब इसके पहले कोई हिस्ट्री इंडिया में नहीं, मतलब मिस्टर पॉन्टिंग कभी इंडिया में नहीं आया था पहले, आपने बोला इंडियन ओरिजिन, मैंने इंडियन ओरिजिन मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, चौथी पांचवी पीढ़ी से आ रहा हुआ इंडिया में बच्चों, लेकिन पॉन्टिंग जन्म के बाद से वो पहली बार कभी आया है, 16 जुलाई को आया, एंड वी अगेन वेंट टू द वेयर व्हेन 8 नवंबर को, ओके बच्चों, सो देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ हिज इन इंडिया बिफोर दैट। एग्जामिन हिज रेसिडेंस एज, तो बताओ कि मिस्टर पॉन्टिंग का रेसिडेंस स्टेटस क्या है बच्चों, इन द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20 एंड 21 असेसमेंट ईयर।
तो असेसमेंट जर्नल है उसका असेसमेंट जर्नल प्रीवियसली या वही एक ही मतलब है, जैसे असेसमेंट बोलने दो या प्रीवियस बोलने दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना पहले पहला तो अपने क्या देखना है, वो कौन से कैटेगरी में पर्सन आ रहा है, वेदर या एक्सेप्शन और नॉर्मल। ओके, सो इफ आई डू साइड स्टेप्स बच्चों, हाउ टू सॉल्व दैट, स्टेप्स के लिए बात करू मैं, स्टेप टू सॉल्व रेसिडेंशियल सम। फर्स्ट स्टेप फाइंड पर्सन इज ऑफ नॉर्मल और एक्सेप्शन। ठीक है, पहला देखना है एक्सेप्शन के दो ही वर्ड है आईसी वर्सेज आई ओ। ठीक, अगर दो वर्ड एक्सेप्शन, देन बच्चों सेकेंड वी हैव टू राइट रूल, राइट बेसिक कंडीशन पर रूल लिखना पड़ेगा बच्चों। हाँ, ऑल्सो राइट एक्सेप्शन केस इफ गिवेन। अगर एक्सेप्शन का समय आया बच्चों तो हम लोग एक्सेप्शन का भी रूल लिखना पड़ेगा पूरा। ओके, देन फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप काउंट नंबर ऑफ डेज इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कितने दिन जाना था बच्चों वो काउंट करना पड़ता है। कंक्लूड वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉट नॉन रेसिडेंट। बच्चों पहले क्या करें हम लोग, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड सी वेदर ही बिलोंग टू द नॉर्मल पर्सन और द एक्सेप्शन। सेकेंड हम लोग को पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा बच्चों, कंप्लीट रूल, हाँ बेसिक कंडीशन पूरा, सम एक्सेप्शन का तो एक्सेप्शन का ही पूरा रूल लिखना है जो आपको लिख के दिया हूं। देन काउंट नंबर ऑफ डेज इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कितने दिन होते बच्चों वो लिखना पड़ेगा। एंड कंक्लूड वेदर ही रेसिडेंट, उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। बच्चों फिफ्थ, इफ ही इज नॉन रेसिडेंट, इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट देन स्टॉप द क्वेश्चन। If he is a non-resident, then we have to stop the question. But if he is a resident, then we have to write additional conditions. अगर रेसिडेंट नहीं है बच्चों तो बहुत इजी है, सब तो वही करने का, खुदा बनाने का कि रेसिडेंट ना रहे, तो यही करना खत्म हो गया बस। और बट अगर रेसिडेंट है बच्चों तो फिर हम लोग को एडिशनल कंडीशन भी लेना पड़ेगा। देन काउंट नंबर ऑफ डेज इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में एंड 7 प्रीसीडिंग, मालूम है कैसे बच्चों कि क्या रूल अपना, दिस शुड बी रेसिडेंट फॉर 2 इयर्स आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 730 डेज इज 737 प्रीसीडिंग ईयर। ओके बच्चों, आई फाइनली कंक्लूड वेदर ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। बस ये 8 स्टेप्स करने पड़ते हैं पूरे सम करने के लिए।
पहला तो पर्सन की कैटेगरी, वेदर बिलोंग टू द नॉर्मल पर्सन और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आपको कुछ नहीं सोचना है, दो ही वर्ड सुनना है, इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन है क्या क्वेश्चन लिखा हुआ बस। उसके एक्सेप्शन का बेसिक कंडीशन पूरा रूल लिखो पूरा डिटेल में। अगर सब में एक्सेप्शन रहा तो एक्सेप्शन का भी रूल लिखना है। एंड देन कितने दिनों प्रीवियस ईयर बिलोंग करो काउंटिंग करते हम लोग उसको, और फिर फाइनली उसके हिसाब से हम लोग कंक्लूड डालते हुए इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इफ इज अ नॉन रेसिडेंट वेल एंड गुड, वहीं पे क्वेश्चन क्या करना है स्टॉप कर देना है, देन स्टॉप द क्वेश्चन जस्ट। बट इफ इज अ रेसिडेंट देन वी हैव टू राइट एडिशनल कंडीशन। ओके बच्चों, एंड काउंट द नंबर ऑफ डेज, 10 साल में काउंट करना पड़ेगा बच्चों सब, और 7 साल का रूल। एंड फाइनली वी हैव टू अगेन कंक्लूड करना पड़ेगा वेदर इज अ ऑर्डिनरी पर्सन और नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है बच्चों, ये था 8 स्टेप्स रेसिडेंस स्टेटस के सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या था बच्चों, दैट पर्सन बिलोंग टू नॉर्मल और एक्सेप्शन। तो आप बताओ क्या है बच्चों इसके अंदर, इंडियन ओरिजिन में आ रहा है, यस इज अ एक्सेप्शन पर्सन बच्चों, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, एक्सेप्शन केस है बच्चों, तुम लोगों को अपन के लोगों को लिखना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो अपना वी हैव कंप्लीटेड द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इज अ नॉर्मल पर्सन और एक्सेप्शन। राइट बच्चों, एक्सेप्शन को मैंने कितने वर्ड दिया हूं, दो वर्ड दिया हूं, आईसीआईओ। आईसी क्या होता है, आईसी क्या है बच्चों, इंडियन सिटीजन, आईओ इंडियन ओरिजिन है क्या इसमें बच्चों कुछ, सर अमेरिकन सिटीजन पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना, इधर तो इंडियन ओरिजिन है। अमेरिकन सिटीजन मतलब वो काउंटिंग है, वो अमेरिका में रह रहा है, अमेरिकन कानून नाम बन गया है। एक इंडियन ओरिजिन मतलब उसके कोई खानदान के कोई जो थे जो इंडिया में रहते थे पहले। ओके, दोनों इसका मतलब पहला पॉइंट था मिस्टर पॉन्टिंग एंड अमेरिकन सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हेंस ही इज अ एक्सेप्शन पर्सन बच्चों। ओके, इंडियन ओरिजिन आ रही से एक्सेप्शन है। तो पहला अपना रूल था क्या, वी हैव टू जस्ट दैट वेदर इज अ नॉर्मल पर्सन और एक्सेप्शन, तो इज अ एक्सेप्शन बच्चों, राइट है। सेकेंड रूल क्या था बच्चों, वी हैव टू राइट द बेसिक कंडीशन। देखो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, 8 मार्क का आंसर चाहिए बच्चों, तो आपको पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा। ओके, तो इन द राइट इन द शॉर्टकट एकदम, तो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एंड इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन प्रीवियस ईयर, ऐसा पूरा वर्डिंग लिखना पड़ता है। एंड इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ, पहला पॉइंट, he has been in India for 182 days or more in the previous year. He has been in India. India में 182 दिन या उससे ज्यादा होने चाहिए previous year में, एक रूल। और दूसरा रूल क्या बच्चों, he has been in India for 60 days or more in the previous year and 365 days or more in the 4 preceding previous year. ये सब कुछ नया लग रहा है बच्चों, नो ऑलरेडी आपका थ्योरी में ही तो है। ओके, तो ही आपको लिखना पड़ा डिटेल। इफ बोथ द कंडीशन फेल टू सेटिस्फाई, बोथ द कंडीशन फेल टू सेटिस्फाई, दोनों फेल हो गया बच्चों, देन ही सेड टू बी नॉन रेसिडेंट इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। पहला रूल भी फेल है, दूसरा रूल भी फेल है बच्चों, तब हम बोलते हैं उसको नॉन रेसिडेंट। बट इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, एनी वन ऑफ द मतलब कोई भी एक बच्चों बेसिक कंडीशन, देन ही सेड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। बच्चों इस तरह से है बेसिक कंडीशन, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 बच्चों। We have to write the basic condition, section 6, subsection 1. An individual is said to be the resident of India in the previous year if, pehla point A, he has been in India for 182 days or more in the previous year, or he has been in India for 60 days or more in the previous year and 365 days or more in the 4 preceding previous year. If both the condition fail, then we call that person is a non-resident of India in the previous year. If any one of the दो में से कोई भी एक भी रूल अप्लाई हो बच्चों, he said to be resident in India in the previous year. तो बच्चों ऐसा पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन है बच्चों। अगर आप ऐसा थरोली लिखते हो, you will get complete 80 marks. यार नया टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें आप 100 में से 100 मार्क्स भी कवर कर सकते हो। टेक्स में 100 में से 100 मार्क्स ही कवर होता है बच्चों, रिमेम्बर, थोड़ा सा ध्यान दिए रहोगे तो। सो प्रीवियस ईयर हो गया बच्चों, तो अपना पहला रूल था पर्सन का और एक्सेप्शन की नॉर्मल पर्सन एक्सेप्शन का। सेकेंड बच्चों बेसिक कंडीशन लिखना है,
अगर क्वेश्चन एक्सेप्शन का बच्चे तो हम लोग एक्सेप्शन का भी रूल लिखना पड़ेगा। इफ पर्सन नॉर्मल रहेगा नो नीड टू राइट, बट अगर क्वेश्चन एक्सेप्शन का बच्चों तो वी हैव टू राइट द एक्सेप्शन का। दोनों रूल क्या था बच्चों? एक्सेप्शन एक पॉइंट नंबर थर्ड बच्चों थर्ड स्टेप एक्सेप्शन, उसमें दो है एन इंडियन सिटीजन हु वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एन इंडियन सिटीजन हु वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, और इंडियन क्रू मेंबर। क्या था बच्चों? इंडियन क्रू मेंबर भारतीय जहाजों पर जो कैप्टन है और भी जो भी मेंबर स्टाफ होते हैं, ठीक है, तो इंडियन क्रू मेंबर और इंडियन सिप वेंट आउटसाइड इंडिया, तो भारत के लोग बाहर जा रहे हो, और इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हु इज बीइंग आउटसाइड इंडिया, हु इज बीइंग आउटसाइड मतलब अभी बाहर रह रहे हैं लोग, नाउ केम टू इंडिया ऑन अ विजिट, और वो अब इंडिया में आ रहे क्या करने के लिए बच्चों? विजिट करने के लिए। ऐसे लोग को एक्सेप्शन बोलते हैं। आई विल बिकम रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ ही हैज बीन इंडिया फॉर 182 डेज अ मोर इन द प्रीवियस ईयर। ऐसे लोग तभी रेजिडेंट बन सकते जब वो लोग 182 डेज उससे ज्यादा इंडिया में रहेंगे। तो बच्चों बच्चों ऐसा हमको प्रेजेंटेशन करना है, पहला बेस तो पर्सन की कैटेगरी, सेकेंड बच्चों बेसिक कंडीशन लिखना पूरा कंप्लीट थरोली, अगर क्वेश्चन एक्सेप्शन का तो लिखने का या नॉर्मल आया तो नहीं लिखेंगे लोग, ठीक है बच्चों। अभी तीन स्टेप हुआ, अब यहाँ चौथा स्टेप क्या था बच्चों? काउंट द नंबर ऑफ डेज। फोर स्टेप बच्चों अब देखते हैं हम लोग चेक करेंगे कौन सा कैटेगरी में बच्चों काउंटिंग एक्सेप्शन में, तो एक्सेप्शन के लिए कितना होना चाहिए बच्चों? 182 डेज। अब चेक करो कि प्रीवियस ईयर 182 है क्या, अपना प्रीवियस ईयर कभी है बच्चों? 2019 and 20 बच्चों 2019 था इंडिया में कि नहीं था बच्चों, वो काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए बचपन का याद है, ये बच्चा ये ऐसा मुट्ठी बांधते हम लोग, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मालूम है बच्चों? ये जो टॉप का पोजीशन आता है वो 31 का होता है, ये जो बॉटम पे आ रहा है वो सब क्या था? 30 का, एक छोड़ के कौन सा? फरवरी, फरवरी नॉर्मली 28 का है और लीप ईयर में 29, मालूम है ना डेज? हाँ, तो डेज काउंट करना अभी, हाँ तो देखो कैसे करेंगे। चलो बच्चों क्वांटिटी कभी इंडिया में आया पहली बार बच्चों? ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 16 जुलाई को, 16 जुलाई बच्चों 16 जुलाई को इंडिया में आ गया। और फिर वापस कभी गया बच्चों? अगेन वेंट टू अमेरिका ऑन 8th of November, वेंट आउटसाइड, वेंट टू अमेरिका बच्चों। तो 16 जुलाई को इंडिया में आया और 8 नवंबर को गया बच्चों, मतलब 16 तारीख से 8 नवंबर तक इसके बीच में इंडिया में था ना। एक से और ध्यान से रखना बच्चों टेक्निकल पॉइंट, हमेशा याद रखने हैं द डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर बिलोंग टू इंडिया। डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर, अराइवल मतलब जिस दिन इंडिया में आ रहा है बच्चों और जिस दिन इंडिया से जा रहा है, ये दोनों डेट इंडिया में आएगा। अब वो कितने बजे आ रहा है सर? रात को 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, 11:59 पे आएगा, वी आर नॉट बॉदर अबाउट। याद रखना बच्चों पासपोर्ट पे जिस दिन इंडिया में आया है और जिस दिन वहां से जा रहा है, ये दोनों डेट इंडिया में काउंट करना है बच्चों। उस दिन में वो एक घंटा रहा है कि आधा घंटा रहा है, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट। द डेट ऑफ अराइवल बच्चों इंडिया में कब आ, कब आया बच्चों? 16 तारीख को, वो 16 तारीख का दिन इंडिया में काउंट करने का। सर 16 तारीख को रात को 11:59 पे आया है, रात को 11:59 पे भी आया तो भी इंडिया में काउंट करने बच्चों, ओके। और 8 तारीख को इंडिया से बाहर जा रहा बच्चों, वो 8th of November डिपार्चर डेट ऑल्सो वी विल कॉल इट इंडिया डेट, ओके बच्चों। अराइवल डेट एंड डिपार्चर डेट, दिस इज कॉल अराइवल डेट बच्चों। हाँ किस दिन इंडिया में आया, अराइवल डेट, दिस इज कॉल डिपार्चर डेट बच्चों। अच्छे समझे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ अराइवल है, बड़ी अराइवल है डिपार्चर, जिस दिन इंडिया में आता है उसको अराइवल डेट, और जिस दिन इंडिया से बाहर जा रहा है बच्चों डिपार्चर डेट, ओके बच्चों। अभी आप लोग तो सोशल मीडिया वाले लोग हो
तो मालूम है प्लेन के बारे में मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। ओके तो यार मैं बच्चों ध्यान रखना ये सब चीजें कि कितने बजे आया वो सब बॉदरिंग नहीं करना, खाली इतना रूल है कि जिस दिन आता है जिस दिन जाता है वो दोनों दिन इंडिया में काउंट होता है। ठीक है बच्चों, चल तो काउंट करते हम लोग। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ना तो यही था बच्चों ये देख, जुलाई से नवंबर तक काउंट करना हम लोग को। अब जुलाई में 16 तारीख को इंडिया में था बच्चों, तो 16 से काउंट करना है। ठीक है बच्चों, जुलाई कितने महीने का होता है, 31 का होता है बच्चों। ठीक है तो कैसे करेंगे, जुलाई 31 का बच्चों, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 31 माइनस 16 कितना आएगा बच्चों, 15 दिन। आप लोग सर 15 दिन नहीं, मैं एक दिन और ऐड करूंगा तो 16, जानते क्यों, क्योंकि जिस दिन आया बच्चों वो दिन भी कभी कहाँ काउंट करना है, इंडिया में काउंट करना। आप लॉजिक सोचो ना, 16 तारीख को इंडिया काउंट करना बच्चों, मतलब 15 तारीख तक वहां था अमेरिका में, तो 31 में से 15 दिन अमेरिका में था तो 16 दिन इंडिया में। इससे अच्छा क्या था, कभी भी पूरा महीने का जो डेट है उसमें से 16 घटा दो और एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दो क्योंकि 16 भी इंडिया में काउंट करना है। हाँ सर ऐसा काउंट करें हम लोग, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19, 20, 21, हाँ कर दो, देख लो कितना दिन आ रहा है, 16 डेज आएगा बच्चों। तो टोटल 31 है, उसमें 16 माइनस कर दिया पहले तो 15 दिन बचेगा, वो एक ऐड क्यों करें बच्चों, क्योंकि 16 ऑल्सो बिलोंग टू द इंडिया, उसको ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, अगस्त का तो पूरा महीना रहेगा 31 डेज, सेप्टेम्बर 30 दिन है बच्चों, अक्टूबर भी 31 है और नवंबर में कभी चला गया, 8 तारीख को चला गया, यानी 8 दिन नवंबर में रहेगा बच्चों, 8 डेज, ये सब काउंट कर लो कितना आ गया बच्चों, 116 डेज आया बच्चों टोटल। इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन गए बच्चों, 116 डेज। और आप बताओ मेरे को कौन सा रूल इस पे अप्लाई हो रहा है, कि दो रूल अप्लाई हो रहा है, एक्सेप्शन बच्चों, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के लिए क्या रूल था खाली 182 होना चाहिए बच्चों, तो 182 हो रहा है क्या, नहीं सर 182 नहीं होता तो आपने बोला था 60 वाला रूल अप्लाई करने के लिए, करेंगे क्या बच्चों, नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन के लिए एक ही रूल है 182 होना चाहिए, 182 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये नॉन रेसिडेंट है बच्चों। ओके सो वी विल हैव द फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन सिंस मिस्टर पॉन्टी हैज बीन इंडिया फॉर ओनली 116 डेज इन द प्रीवियस ईयर, कौन सा अपना प्रीवियस ईयर बच्चों, 2099-20, हैंस एज पर एक्सेप्शन ही इज सेटिस्फाइंग, नॉट सेटिस्फाइंग, ही इज नॉट सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन, hence Mr. Ponting is a non-resident of India in previous year 2099-20। ऐसा फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों, मिस्टर सिंस मिस्टर पॉन्टिंग हैज बीन इंडिया फॉर ओनली कितना दिन है बच्चों, 116 डेज इन द प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर अपना बच्चों 2019-20, हैंस एज पर द एक्सेप्शन का रूल इस पे अप्लाई हो रहा है, ही इज नॉट सेटिस्फाइंग द बेसिक कंडीशन, सो जब कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा बच्चों तो क्या होता है, इसको हम लोग इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। अब बच्चों जब नॉन रेसिडेंट है तो आगे जाऊं क्या मैं, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी कुछ नहीं बताया, स्टॉप हो जाएगा, और अगर रेसिडेंट होता बच्चों तो आगे भी करना पड़ता, वो करेंगे अभी हम लोग पहला स्थान था बच्चों, ऐसा बच्चे अपने को प्रेजेंट करना है पूरा आंसर। ओके तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा और चेक किया कि पॉइंटिंग एक्सेप्शन है कि नॉर्मल है, तो एक्सेप्शन था, बेसिक एक्सेप्शन और नॉर्मल हो, बेसिक कंडीशन तो पहले लिखना है, बेसिक कंडीशन आप ये सेक्शन लिखते तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, तो आप ए और बी सेक्शन था तो बताओ कि अगर दोनों रूल फेल हुआ तो नॉन रेसिडेंट है, एक भी रूल पास हुआ बच्चों तो उसको रेसिडेंट,
और एक चीज ध्यान देना बच्चों, हमने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर लिखा, यहाँ प्रीवियस ईयर लिखा बच्चों, यहाँ भी प्रीवियस ईयर लिखा हूँ, हियर आई रिटन द प्रीवियस ईयर समवेयर, ओके। कहीं पे मैंने ईयर नहीं लिखा, कल ओनली प्रीवियस ईयर, नॉट रिटन 2019-20। ये रूल है बच्चों, तो रूल में नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम लोग सम करें, फाइनल कंक्लूजन करें बच्चों, इन द प्रीवियस ईयर 1920, इन द प्रीवियस ईयर 1920, जब फाइनल कंक्लूजन करेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर बताएंगे कौन सा अपना प्रीवियस ईयर है। रूल लिखते समय नहीं बताना है, ठीक है, रूल नॉर्मल रूल सब सारे साल के लिए रहेंगे। तो एक्सेप्शन का पूरा रूल लिखना बच्चों, और फिर एक पेज समझना है कैसे किया मैंने, ये अपना प्रीवियस ईयर था 1 अप्रैल से लेके 31, हमको यही देखना है दोनों डेट के बीच में कितना दिन इंडिया में रहा है। तब वो कब आया इंडिया बच्चों, 16 जुलाई को, कब गया 8 नवंबर को। एक बार समझे बच्चों कि अराइवल डेट और डिपार्चर डेट इंडिया में आता है, जिस दिन आता है और जिस दिन जा रहा है दोनों दिन इंडिया में ही काउंट करना है, ओके बच्चों। तो अब कैसे करेंगे, जुलाई महीने में कैसे काउंट करना है, जुलाई 31 का होता है तो 16 माइनस कर दो, बच गया 15 दिन। देखिए वो 16 तारीख इंडिया में काउंट करना है, इसको एक दिन और ऐड किया बच्चों, ठीक है। समझना बच्चों, आप अपने तरीके से कर सकते हो, सर 16 तारीख को अगर इंडिया में काउंट करना मतलब 15 दिन स्टार्टिंग का वो अमेरिका में था, ऐसे काउंट करो, तो पूरे 31 में से 15 दिन अमेरिका में था, तो बाकी मतलब 16 इंडिया में था। सर मैं ऐसा ऐसा काउंटिंग करूँ, कर सकते हो, ओके। कैसे भी करो राइट करना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तो पूरा दिन था बच्चों, और नवंबर में 8 को चला गया, तो सब 7 तक इंडिया में था ना। हाँ मैंने क्या बोला था आपको, आने और जाने वाला दोनों डेट क्या आएगा, इंडिया में आएगा, इसलिए 8 तारीख को इंडिया में आएगा, ठीक है। 116 दिन हो गए बच्चों, एक्सेप्शन के लिए कितना आना चाहिए, 182 का रूल आना चाहिए। सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई रिकॉल नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, ठीक बच्चों। ये था आपका, इसको अच्छे से देखोगे आप प्रॉपरली, डोंट वरी, पहला स्थान अभी देखिए बेसिक कंडीशन था और ऐसे ही रहेगा, अभी इसमें ज्यादा टफ नहीं आएगा बच्चों। तो एक क्वेश्चन को प्रॉपरली आप लोग देखना है बच्चों, ओके ना। अभी इसका कंक्लूजन हो गया, इसके बाद अगर रेजिडेंट था बच्चों तो हम लोग एडिशनल पे जाते थे, और फिर कंक्लूजन, तो सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम में, ओके।